हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे BSc फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जैसा कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऑलमोस्ट बदल गए हैं। तो क्या सिलेबस आया है, कैसे इस बार पेपर होगा, कौन कौन सा पेपर होगा, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होगा, तो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर समझेंगे। और ये BSc फर्स्ट ईयर के लिए है, और मैं आपको बता दूं कि इस बार सेमेस्टर वाइज हो गया है। बहुत लोगों का क्वेश्चन था सर इस बार ईयरली पेपर होगा कि सेमेस्टर वाइज होगा, तो सेमेस्टर वाइज होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। सेमेस्टर वाइज आपका पेपर होगा, मीन्स एक साल में दो बार आपका पेपर होगा, दो सेमेस्टर का पेपर होगा, और तीन साल का आपका BSc होता है, तो तीन साल में आपको छः बार पेपर देना होगा, मीन्स छः सेमेस्टर आपके टोटल होंगे, ठीक है। मीन्स एक साल में दो सेमेस्टर करके आपका पेपर होगा। और BSc फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस वो बिल्कुल लॉन्च कर दिया गया है, आ गया है मार्केट में, आप लोग जा करके ले सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी है, जो बिहार की यूनिवर्सिटी, यूपी की काफ़ी यूनिवर्सिटीज, आगरा यूनिवर्सिटी, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, अलग अलग स्टेट में भी, और यूपी की सारी यूनिवर्सिटीज के लगभग स्टूडेंट हैं चैनल पर, तो उन सभी से मेरी बात हुई है। सभी जगह पर बिल्कुल जो इस बार सिलेबस रखा गया सेम यही बिल्कुल रखा गया है, कोई भी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो अपने यूपी की या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, खास करके मैं इन दोनों पर फोकस रखता हूँ, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी हो गई और आपकी MJPRU हो गई, बिहार की यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बिल्कुल सेम कर दिया गया है। थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस आएगा भी तो बहुत ही थोड़ा बहुत, एक आध यूनिट में डिफरेंस आएगा, या बहुत ही थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ होगा तो सिलेबस होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से सभी की जो सिलेबस है, मैंने काफ़ी के सिलेबस देखे भी हैं, सभी का बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम फर्स्ट सेमेस्टर का। तो पहले सेमेस्टर का सिलेबस आपके सामने है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग क्वेश्चन मत करिएगा कि सर मेरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होगा, ऑलमोस्ट आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर भी आप लोग हैं मार्केट से लेकर के देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही सिलेबस आपका सभी लोगों का होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों का सिलेबस देखा है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, सभी का ऑलमोस्ट यही सिलेबस है, ठीक है। तो हम लोग इसी की बात करते हैं। और दूसरी बात, जो आपका एक क्वेश्चन था सेमेस्टर वाइज होगा, तो बिल्कुल ये भी आपका आंसर क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कि इसमें पढ़ना आपको क्या क्या है, कैसे है, क्या पैटर्न इस बार का है, तो पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में मैं जनरली तीन सब्जेक्ट को लेकर के चलने वाला हूँ, जिसमें आपका बॉटनी रहेगा, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट को के सिलेबस को मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं, और फिजिक्स और मैथ का जो सिलेबस बच रहा है इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और BSc फर्स्ट ईयर के लिए सिर्फ है, याद रहे BSc फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वन के लिए है, सेमेस्टर टू नहीं, सेमेस्टर वन के लिए है, ठीक है। और इस बार जितने लोगों का नया एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, उन लोग का नए के हिसाब से ही पेपर होगा। जो लोग फर्स्ट ईयर पिछली बार पास कर चुके हैं, इस बार सेकेंड ईयर में हैं, तो उनका ईयरली ही अभी होगा, उनका सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले बॉटनी के सिलेबस को देखते हैं कि बॉटनी का नया सिलेबस क्या है। तो इसमें आपको जनरली दो पेपर आपको आपसे करवाए जाएंगे, पेपर एक ही होगा, क्योंकि थियरी का जो आपका पेपर वो एक ही होगा, एक तो प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पेपर नहीं, इसको आप प्रैक्टिकल बोल लीजिए, पेपर आपका एक ही होगा जिसको हम लोग थियरी बोलते हैं, और एक आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एक थियरी होगी आपकी और एक आपका प्रैक्टिकल होगा। जो आपका थियरी यानी जो पेपर है, पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। ये आपका बॉटनी के सिलेबस में पहले पेपर का आपका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल का क्या नाम है, तो प्रैक्टिकल इसमें आपको करना है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी। जैसी बात आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का आपको इसमें प्रैक्टिकल भी करना है। और ये कितने कितने मार्क का होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये 25 और 75 के हिसाब से बांटा गया है। मीन्स जो थियरी का आपका पेपर होगा वो 75 मार्क का होगा, और जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क का होगा, टोटल मिला करके 100
100 नंबर का आपका पेपर इस बार रहेगा सेमेस्टर वन में, ठीक है। यूनिट्स की हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पेपर, पेपर का नाम आपको पता चल गया कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के पढ़ना है। यूनिट वन में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, इसी में आपका दो पार्ट बना है। यूनिट वन में ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और बी वाला पार्ट आपका जो है वो माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट टू में आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड पढ़ना, और एक बात और मैं क्लियर कर दूँ आपको, माइक्रोबियल वर्ल्ड यूनिट टू में पढ़ना है कि जो नया सिलेबस है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। सभी यूनिट के नोट अवेलेबल हैं, चाहे बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, जूलॉजी हो, सभी के नोट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। और बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर 10 रुपीज़ पर यूनिट आपको पे करना होगा। मतलब एक यूनिट अगर आपको लेना है तो बस 10 रुपये आप लोग पेड करेंगे मुझे, मैं तुरंत ही आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 10 रुपीज़ पर यूनिट सिर्फ इसकी कॉस्ट रखी गई है। करना है तो मैं आपको बता दूं कि 7080 जो नंबर है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर आपको मिल जाएगा, मैं वैसे लिख भी देता हूँ, 7080884759, ठीक है, 7080884759 पर गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, जो भी आप लोग यूज करते हैं सारा कुछ इसी एक नंबर पर अवेलेबल है। आप लोग जाइए उसमें, इस नंबर को सर्च करिए, सर्च करके वहाँ से आप लोग पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझको व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं तुरंत ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट टू में आपको माइक्रोबियल वर्ल्ड पढ़ना है, ये सारा नोट बन चुका है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और व्हाट्सएप पर आकर के मुझको उस नंबर पर बताइए सर मुझको नोट चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है फाइकोलॉजी को पढ़ना है। यूनिट थर्ड के अंदर आते हैं यूनिट फोर की तरफ। यूनिट फोर में आपको माइकोलॉजी पढ़ना है, थर्ड में फाइकोलॉजी, फोर्थ में माइकोलॉजी, एंड फिफ्थ में पांचवें यूनिट। पहले जनरली चार ही यूनिट हुआ करती थी, लेकिन अब पांच यूनिट, छः यूनिट बन गई है। तो मशरूम पढ़ना है आपको, मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी पढ़ना है आपको, और माइको रिजा पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है यूनिट सिक्स में आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। यूनिट सेवन में आपको डिजीज एंड कंट्रोल पढ़ना है। यूनिट एट में आपको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। अब आते हैं पेपर सेकंड की तरफ। जो आपका पेपर सेकंड होगा बोल लीजिए, या फिर जो आपका प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पढ़ने रहेंगे तो ये आप देख लीजिए। टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो पेपर सेकेंड होगा, पेपर सेकेंड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। इसका ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और एक एक पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगा बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं बस आपको दिखाते हुए निकल जा रहा हूँ। तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सा, यूनिट वन में कौन सा आपको करना है प्रैक्टिकल, यूनिट टू में कौन सा आपको प्रैक्टिकल करना है, यूनिट थ्री में आपको कौन सा, ये सब प्रैक्टिकल का नाम लिखा गया, याद रहे ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल के नाम लिखे गए हैं, हाँ, कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको करना है। तो ये सब प्रैक्टिकल के नाम है, प्रैक्टिकल के नाम देख लीजिए। ये आप लोग जाएंगे अपने कॉलेज में तो आपको अपने कॉलेज में ये सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। सभी यूनिट के कितने प्रैक्टिकल्स करने हैं तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं जूलॉजी पर। तो जूलॉजी में कौन कौन सा आपको देना है, तो जूलॉजी में फिर से वही बात, एक ही पेपर है थियरी का जो आपको लिखित यानी कि रिटन फॉर्म में देना रहेगा, वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज। ये आपका पेपर है जो आपको पेपर देना रहेगा। और एक आपका जो पेपर टू आप बोल लीजिए, इसका नाम है प्रैक्टिकल, ये आपको प्रैक्टिकल है, ये आपको प्रैक्टिकल करना होगा, जैसे अभी आप लोग बॉटनी में देखे हैं। तो प्रैक्टिकल का नाम रहेगा सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, इसका आपको प्रैक्टिकल करना होगा। फिर से वही बात, कितने कितने मार्क का रहेगा, तो वही सेम टू सेम चीज़ है कि 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 75 नंबर का आपका थियरी रहेगी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। मींस एक ही पेपर आपको इस बार देने हैं। पहले आपको तीन पेपर देना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको सिर्फ एक पेपर देने हैं थियरी के, जो रिटन होगा आपका, यानी कुल मिलाकर के एक सेमेस्टर में तीन ही पेपर होगा और तीन प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि आपके तीन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें यूनिट वन में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट वन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स और मिल्स फर्स्ट पढ़ना है। यूनिट सेकंड में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स और मिल्स सेकंड पढ़ना है। यूनिट थर्ड में न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर पढ़ना है। यूनिट फोर में सेल साइकिल, सेल डिविजन, सेल सिग्नलिंग पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट फाइव में मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है आपको। यूनिट सिक्स का नाम ही नहीं दिया है,
बस सीधे इसमें मैटर दे दिया क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट 7 में आपको ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न्स इन इनहेरिटेंस पढ़ना है। यूनिट 8 में आपको इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। कुल मिला के लगभग 8-8 यूनिट सभी पेपर में आपको बना करके दिए गए हैं। जैसे पहले 4-4 यूनिट जनरली हुआ करता था, लेकिन इस बार 8-8 यूनिट इसी को डबल कर दिया गया है। डबल डबल आपको पढ़ने हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे यूनिट, बड़े बहुत बड़े बड़े नहीं। देखिए 3-3, 4-4 चीज़ें इसमें रखी गई हैं, तो बहुत ही आराम से आप लोग इसको कवर कर लेंगे एक ही पेपर के अंदर। अब आते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड का मतलब प्रैक्टिकल वाला पेपर है ना। प्रैक्टिकल आपका कैसे होगा, तो प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में क्या 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 सिलेबस रहने वाला है, तो केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न पर सिलेबस रखा गया है कि एक आपको पेपर देना रहेगा थियरी का, और एक आपका प्रैक्टिकल का पेपर रहेगा। ठीक है, तो थियरी की अगर हम लोग बात करें, तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, थियरी के पेपर का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका प्रैक्टिकल का नाम है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं कि जो आपका थियरी का पेपर, उसमें आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में यूनिट वन में ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है जनरली। और इसी के अंदर आपको पढ़ना है मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। इन सभी का नोट्स बन चुका है, आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप पर आइए, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझको मैसेज करिए कि सर मुझे नोट चाहिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट टू की तरफ। तो यूनिट टू में आपको सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। यूनिट थ्री में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक आपको पढ़ना है। यूनिट फोर में आपको रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। यूनिट फाइव में आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों इस बार एक ही पेपर के अंदर घुसा दिया गया है, एक ही पेपर के अंदर डाल दिया गया है, एक ही पेपर के अंदर आपको पढ़ना है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे आते हैं, तो यूनिट सिक्स में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है, ये भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं यूनिट सेवन में बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इसमें देखिए आपको कंप्यूटर भी डाल दिया गया है कि कंप्यूटर की भी आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक दो यूनिट आपकी बिल्कुल मिलेगी, कंप्यूटर की भी मिलेगी। तो एक यूनिट यहां पर आप देखेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आपको, अगर जो लोग ट्रिपल सी वगैरह किए हैं तो वो लोग आराम से पढ़ ले जाएंगे। तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा इस बार, एक कंप्यूटर का भी की भी यूनिट इसमें डाली गई है, क्योंकि कंप्यूटर इस टाइम ज़रूरी है। यूनिट एट यानी कि लास्ट यूनिट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डाला गया है, यानी कि वही आप फिजिकल केमिस्ट्री बोल लीजिए, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री डाली गई है जिसमें मैथमेटिकल पार्ट आता है। अब फिर से वही बात, पेपर सेकंड यानी कि प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसका नाम रखा गया है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं। और कौन कौन से प्रैक्टिकल होंगे, तो ढेर सारे प्रैक्टिकल यूनिट वन के, टू के, थ्री के, फोर के, चार ही यूनिट के प्रैक्टिकल जनरली करने हैं। तो इन सभी जिसके भी प्रैक्टिकल्स करने हैं, उसको यहाँ पर दे दिया गया है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको इस बार करने हैं। और अगर वही बात करें इसमें, तो 25 और 75 का रेशियो इसमें भी रखा गया है। 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा यानी कि प्रैक्टिकल का, और 75 नंबर आपको थियरी का मिलेगा, जो आप लोग सेमेस्टर में एग्जाम देंगे, रिटेन जो आप लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको सिलेबस कंफर्म हो गया होगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है इस बार तीनों का। ये देखिए, ये आपको हैंड रिटेन बिल्कुल पेड नोट है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। यूनिट वन का देखिए फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो पेपर वन आपका है, न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, न्यू सिलेबस पर बेस्ड, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया सिलेबस में। उसका यूनिट टू देखिए सिंपल बॉन्डिंग एंड थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं अभी आपको बता रहा था। यूनिट टू देखिए बिल्कुल नोट्स अवेलेबल हैं। इसका यूनिट वन भी देखिए अवेलेबल है, यूनिट वन आपको मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये भी अवेलेबल है। जूलॉजी के नए सिलेबस का यूनिट टू, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल सेकेंड जूलॉजी का, ये देखिए तो आपको सिलेबस ही था जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एंड नेक्स्ट वन इज जूलॉजी का फर्स्ट यूनिट में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, ये सभी नोट्स के यहाँ पर जनरली थंबनेल्स डाले गए हैं इसके अंदर। और भी नोट्स हैं, अभी यहाँ पर कुछ आपको बस दिखाने के लिए मैंने डाल दिया था। इसी तरीके से सारे नोट्स आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट मिलेंगे, याद रखिएगा, हाथ से लिखा हुआ कोचिंग का, इस बार जो कोचिंग चल रही है, कोचिंग से नोट बना करके हाथ से लिखा हुआ बिल्कुल वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस साल पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को
सिलेबस ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपके यहाँ कोचिंग अभी नहीं चल रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं या आपका छूट गया है, तो बिल्कुल आप लोग मुझे फिर से मैं आपको नंबर बता दूँ कि 7080888479। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग उस पर मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 7080888479, ठीक है। यही नंबर व्हाट्सएप का भी है, यही नंबर पेमेंट करने के लिए भी है, इसी से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। सारा काम एक ही नंबर से होगा, सिर्फ एक नंबर, ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए ठीक से। इसी नंबर पर आप लोग मुझको व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, सर मुझे ये नोट चाहिए। इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना होगा जाकर के, चाहे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप लोग यूज करते हो, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।